मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हैं फिनोमिनल आरजे रसल चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर के सस्पेंड के बारे में, मतलब कि ब्रॉक लेसनर को WWE ने स्मैकडाउन से फायर कर दिया। उसका रीज़न क्या है सामने आया है। तो देखो, ब्रॉक लेसनर को एक मैच तो हो गया उनका, अब उनको टाइम अप चाहिए, इसलिए स्टोरी लाइन के हिसाब से WWE ने उनको फायर दिखाया और स्मैकडाउन में इतना बड़ा हंगामा करवाया, क्योंकि अब ब्रॉक लेसनर को टाइम अप चाहिए थोड़ा सा। ये फुल टाइमर तो नहीं है, पार्ट टाइमर सुपरस्टार है वो, इसलिए उनको टाइम अप की ज़रूरत है और इसके बाद वो दिखाई देंगे 2022 में रॉयल रंबल में, क्योंकि WWE ने उन्हें अनाउंस किया है रॉयल रंबल के पोस्टर में और इसके हिसाब से उनकी फ्यूड मुझे लगता है कंटिन्यू रहेंगे रोमन रेंस के साथ। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर का वो सेगमेंट नहीं हुआ था स्मैकडाउन के मेन इवेंट में, टाइटल चेंज का वो पूरी तरीके से अनस्क्रिप्टेड था, क्योंकि दोनों को चैंपियन को इज्जत से अपनी बेल्ट इधर उधर करवानी थी, लेकिन शार्लेट फ्लेयर ने कुछ तो भी ऐसा करा जिसकी वजह से शार्लेट फ्लेयर को बहुत गुस्सा आया और बेकी लिंच ने भी उनकी तरफ बेल्ट फेंक दी। ये स्क्रिप्ट में नहीं था, लेकिन उनके दोनों के इशू की वजह से शार्लेट फ्लेयर का बैक स्टेज बिहेवियर अच्छा नहीं था कि उनको ये करना ही नहीं था टाइटल चेंज, लेकिन WWE की वजह से उनको करना पड़ा। तो ये अब बात विंस मैकमैन के पास भी पहुंच गई है, मतलब कि विंस मैकमैन के अब ये अंडर हो रहा है, मतलब कि विंस मैकमैन भी इसमें इन्वॉल्व है। तो शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच में बैक स्टेज बहुत इशू हो गए। इशू के बाद शार्लेट फ्लेयर उसी वक्त अरीना से एग्जिट करके AEW पहुंच गई अपने बॉयफ्रेंड एंड्राडे के पास। तो देखो भाई, ये WWE के लिए बहुत ही खतरनाक बात हो सकती है, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर जैसे सुपरस्टार अगर AEW में चली गई ना, WWE के लग जाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखिए। और इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं मिस्टर मैकमैन, क्योंकि ये बहुत डेंजर मामला हो सकता है शार्लेट फ्लेयर के लिए। बेकी लिंच तो नहीं जा सकती WWE से, लेकिन शार्लेट फ्लेयर कुछ कह नहीं सकते। हाँ, उनका कॉन्ट्रैक्ट है अभी WWE से, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर लिखिए और सपोर्ट कीजिए भाई को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।